मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूँ जीटेक स्टूडियो की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए बच्चों, मैं आज आप लोग को बनाने के लिए क्या बताना हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत लोगों को बच्चों को पता भी है और नहीं भी पता होती है। तो जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों को वीडियो को पूरे देख लीजिए और समझ लीजिए। और दूसरी चीज़, जिनको पता है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए वीडियो है ही नहीं। ठीक है, मैं बनाने जा रहा हूँ एक फोल्डर, और ये फोल्डर पहली बात होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान लें। देखिए ये फोल्डर क्या होता है, जहाँ पे हम अपने सभी फाइलों को, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे गेम हो, या अनेक प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट हो, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रखने का काम करते हैं। देखिए अभी पहला स्टेप मैं आपको बताऊँगा कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप देखिए, ये डेस्कटॉप होता है, इस डेस्कटॉप एरिए पर आप क्या करेंगे, कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जैसे जाएंगे एक और अलग से बॉक्स ओपन होगा जिनको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, और इस पर हम ड्रॉ करते हुए देखिए फोल्डर पे लिखा हुआ है, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे सामने देखिए एक आपका बन के आ गया न्यू फोल्डर, यहाँ पर हम डिलीट वाले बटन से डिलीट करेंगे और अपना जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ अपने नाम से रवि, ठीक है, तो यहाँ पे रवि बनाया मैंने और इंटर कर दिया। अब देखिए एक फोल्डर हमारा तैयार हो गया, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यानी इसके अंतर्गत भी हमारे पास कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है, या कोई या आपकी फाइल नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या है, ये पूरा खाली है। तो अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, फोल्डर कुछ बनाने का काम करता हूँ, जैसे मैं अब कुछ फोल्डर बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे। अब शॉर्टकट कीज का यूज क्या है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन आप जैसे प्रेस करेंगे आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं बनाना चाहता हूँ कि आपका वीडियो का, तो मैं टाइप करूँगा VITEO वीडियो का, फिर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ वही सेम शॉर्टकट कीज से। अगर आप शॉर्टकट कीज का नहीं है सेम वही काम कर सकते हैं, राइट क्लिक फिर उसके बाद न्यू, उसके बाद फोल्डर आपके पास बन गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम बना लेते हैं पिक्चर का, पिक्चर का हमने बना लिया एक है, ठीक है, एक और हम बना लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ठीक है यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या टाइप करेंगे, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं जैसे सपोज मान लीजिए ऑडियो का, AIDEO, ठीक है, तो ये हमने ऑडियो का बना लिया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फोल्डर आप, और इसके अंतर्गत आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। इसको देखिए उसके बाद कंट्रोल लेफ्ट से आप बैक आ सकते हैं, देखिए अभी आपका कंट्रोल लेफ्ट से बैक आ जाएंगे, एक और बैक, यानी आप अगर राइट में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आल्ट दबाएंगे राइट पे चले जाएंगे, और आपका आल्ट दबाएंगे, सॉरी मैं कंट्रोल बोल रहा था पहले, आल्ट है, आल्ट दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएंगे, फिर आल्ट दबाएंगे हम लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम आल्ट F4 बटन का प्रेस करेंगे तो ये जो हमारे सामने विंडो ओपन है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम लोग फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे डॉक्यूमेंट रखते हैं, कोई कॉपी कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, वो आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।